तेल डालेंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। तो आज जो कि है ना, बहुत ही अच्छा दिन किया है, देखिए, क्योंकि देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और ईचा का तो बात ही अलग है। और देखिए इधर जो कि है आरती जो कि है घर का सर सफाई कर रही है, पूरा घर सफाई करके पूरा जैसा था वैसा कर दिए पूरा है। और सुबह का नाश्ता भी करने के लिए जा रहे हैं। देखिए इतना आपको दिखाएंगे, एक समोसा दिखाएंगे, इससे छोटा आप समोसा नहीं देखे होंगे, ठीक है ना। चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए ये समोसा आप देख रहे हैं ना, इतना छोटा आपने समोसा देखा है या खाया है कभी। अब मिनी समोसा है, हम भी देखे ना तो हम भी एकदम चकित रह गए यार, इतना भी छोटा समोसा होता है क्या। और इसका टेस्ट भी कितना बहुत बढ़िया होता है, हमको बताए थे। ठीक है, बस थोड़ा सा कड़ा है खाने में, बस ठीक ही है। देखिए इधर जो कि है रखे हैं नाश्ता इधर खाने के लिए, अभी नाश्ता करना है मॉर्निंग में, ठीक है। हम लोग जो है ना जा रहे हैं तेल पेराने, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? सरसों पेराने जा रहे हैं। अच्छा, सरसों पेराने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि छठ का पर्व है, शुद्ध शुद्ध पेराना चाहिए तेल, इसीलिए सरसों का तेल जा रहे हैं पेरवाने के लिए, ठीक है। छठ मैया का पूजा करना हो तो भाई तेल तो पेराना ही पड़ेगा भाई। जा जो कि है इसको कपड़ा पहना दे रहे हैं, कपड़ा पहना दे कपड़ा। बहुत अति लगता है मीठा खाइए का जी, कब से खाई है जी, ए जी कब से खाई है, मकुर दानो कहिए मकुर दानो। तो देखिए दोस्तों, हम लोग गंगा जली ले लिए हैं और जो हम लोग सरसों पेराने जा रहे हैं तेल, उसमें जो कि इसमें डालेंगे क्योंकि शुद्ध हो जाएगा, तो चलिए डालते हैं। उबले से डाल रहे हैं सरसों, ये उतार के रखे ना नीचे, पहले इधर रखते हैं इसे। थोड़ा सा और मिला ले। तो देखिए गंगा जल ऐसा लेते हैं, इसमें डाल देते हैं ताकि शुद्ध हो जाए, हम लोग भी शुद्ध हो जाता है, वो लोग भी शुद्ध हो जाए। और छिटना है, जय प्रभु श्री राम गोसाई हर हर महादेव। तेल पे राना होगा तो वीडियो तो बनाना होगा ही मेरे बाद। पूरी खाना होगा तो तेल तो पेराना होगा मेरा बाहर। हाँ तेल रहबे करेगा तो पेराइएगा कायल, तेल पेराना पड़ेगा बाहर। तो देखिए दोस्तों कमंडल भी ले लिए हैं, इसमें जो कि तेल डालेंगे। और इधर देखिए कैमरा मैन इधर है, देखिए ये दोनों है जो कि लटकी हुई है। तू भी जाके तेल पर आने ना, देखिए आवेला हमको इन कर रही है। तो चलिए चलते हैं तेल पर आने के लिए। और छठ मैया का जो कि है इतना भी कार्य आप लोग को दिखाएंगे तो ब्लॉग में बने रहें लास्ट तक। तो चलिए चलते हैं, गिर नहीं जाना नीचे, ठीक है, बहुत मार मारेंगे बाहर। तो हम आ गए हैं तेल पेराने वाला मशीन के पास और ईचा जो कि है आरती को छोड़ नहीं रही है, उसके पास लटकी हुई है। और देखिए किस तरह से जो कि है दोनों खड़ी हुई है ताकि तेल। तो देखिए दोस्तों शाम का समय हो गया, अभी जो कि है आरती जी क्या कर रही है, अभी सब्जी काट रही है और शाम का समय हो गया है। देखिए इधर देखिए सब्जी काट रही है और पूरा वो सब जो कि है गेहूँ साफ किया गया है क्योंकि यार उसी से पूरी बनेगा। इधर देखिए भुजिया काट रही है। और आज का ब्लॉग हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में नए अंदाज के साथ। टाटा बाय बाय दोस्तों, जय छठी मैया।